गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनीत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पर, यूट्यूब वाईफाई स्टडी के इस चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि वाईफाई स्टडी चैनल पर आपके लिए टीचिंग्स एग्जाम्स से रिलेटेड कई की क्लासेस आने वाली हैं, जिसका शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस शेड्यूल है आपका, सुबह 9 बजे आपका क्लास होगा विनीत सर के साथ यानी मेरे साथ, 10 बजे क्लास होगा एनवायरनमेंट का यानी रोहित सर के साथ, 11 बजे मैथ्स की क्लास होगी और 12 बजे हिंदी की क्लास होगी बाय रोहित सर। जो कल मॉर्निंग सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे वो CTET के लिए, और ये जो टाइमिंग है 9, 10, 11, 12, यहाँ पर हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, जबकि हम दोपहर के बाद यानी कि 3, 4, 5 और 6 बजे की क्लास में UP TET के क्लासेस को डिस्कस करेंगे। इन्हीं सब के साथ में हम आपको आगे बताते हैं, हम अपने सब्जेक्ट में चलते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे नेक्स्ट पर आते हैं, आगे देखिएगा जो हमारा सिलेबस है वो इस तरीके से डिस्कस करेंगे। CET के एग्जाम में वाई फ्रेंड्स, वी नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पर दो तरीके के पैटर्न होंगे, एक तो आपका जूनियर लेवल होता है और दूसरा होता है प्राइमरी लेवल, यानी पहला पेपर जो होगा वो प्राइमरी लेवल का होगा और दूसरा पेपर होता है जूनियर लेवल का। अगर हम CET के एग्जाम को की बात करें तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, दूसरा इंग्लिश पैडो का होता है और तीसरा इंग्लिश कंप्रिहेंशन। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर जो चैप्टर्स हैं हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेंटेंसेस हैं, नाउन्स हैं एंड नंबर्स है, टेंसेज है, क्वेश्चन टैग्स है, मोडल्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स है, यानी कि कुल मिला के डियर सर अगर हम देखें तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके ऊपर हमें आपको प्रैक्टिस करानी है और सीक्वेंस वाइज मतलब 1 by 1 ले जाकर क्वेश्चनों को डिस्कस करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को टच करना है ताकि आपके ये टॉपिक्स भी क्लियर हो सकें और आने वाले एग्जाम में आप मेरिटोरियस भी हो सकें। नेक्स्ट जो सेशन होगा इंग्लिश सेशन का वो होगा इंग्लिश पैडो का। इंग्लिश पैडो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज की, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लैंग्वेज स्किल, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, फिगर ऑफ स्पीच, रिदम, तो इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कस होगा जो कि आपके CET एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कंप्रिहेंशन सेक्शन में हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्रिहेंशन, सम इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रीडिंग कंप्रिहेंशन प्रोज एंड पोएट्री और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अनसीन पोएम, जिस पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये एक पूरा सिलेबस है आपका। अगर हम UP TET के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर भी दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक प्राइमरी और एक जूनियर लेवल का, जिसका हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस है आपके पास, जो अनसीन पैसेजेस हैं, सिनोनिम्स है, स्पेलिंग है, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, डिटरमाइनर्स है, चेंजेस ऑफ डिग्रीज है। कुल मिला के देखा जाए तो UP TET और CET के लैंग्वेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बट हाँ लेवल ऑफ द क्वेश्चन और टेक्निक ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, जिसको अपन लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस को रन किया जाएगा, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है जो सिलेबस का है वो प्रोज है, आपने बताई दिया, हमने बताई रखा था इसका प्रोज स्टाइल जो सेकेंड पार्ट होगा यानी कि रिलेशन, और इसमें यूज ऑफ अगर हम बात करें तो पूरा फिल्टर कर रखा है कि क्या होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि आप देख रहे होगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिदिम, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें, पोएट्री की स्टाइल भी आप लोग देख रहे होगे, एलजी, सोनेट, ड्रामा, तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ओपनली एंड ब्रॉड कर दिया गया है। तो नो डाउट माय फ्रेंड्स, हम लोग इनको इजी वे में और टाइम मतलब डे बाय डे इनको इम्प्रूव करेंगे और आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। एक और भी रहेगा कि आफ्टर द क्लास, यानी कि हम लोग एक खास दिन रहेगा कि क्लासेस के दौरान, क्लास के बाद एक होमवर्क जरूर होगा जो आपको अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि आपको खाली नहीं बैठना है क्लास के बाद, ये ना लगे कि नहीं हमने पढ़ लिया काफ़ी है, सफिशेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम वर्क हांत नहीं करते रहते हैं, जब तक हम कुछ करते नहीं रहते तब तक हमें अपनी पूर्णता का आभास नहीं होता है, तो पूर्णता का आभास तभी होना होगा जब हम प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ
फिर से एक बार बता दूं, एनवायरमेंट यूपी टेट की जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा वो सुबह दोपहर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। सीटेट की क्लासेस का टाइमिंग रहेगा 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। वाईफाई स्टडी सर्कल चैनल पर आप सभी लोग कल से जुड़िए। कल दिन सोमवार हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं टीचर्स एग्जाम्स ओरिएंटेड के एग्जाम्स के लिए नई नई क्लासेस, ताकि आपको इजी हो सके, आप मेरिटोरियस हो सके, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो माय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे इसी चैनल पर। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि टीचिंग एग्जाम के लिए वाईफाई के प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, एक धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। तो जुड़ें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।